धनबाद का मांडा कार्यालय पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मांडा कर्मियों और मेयर समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें कि मांडा कार्यालय में टिपर वाहनों के उद्घाटन के लिए वाहनों को लाया जा रहा था। इसी दौरान एक वाहन से मांडा के एक कर्मचारी को चोट लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मांडा कर्मी के घायल होने के बाद वहां मौजूद मांडा कर्मी काफी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद मेयर और उनके समर्थकों के साथ मांडा कर्मियों की नोकझोंक शुरू हो गई और फिर जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। मांडा कर्मियों ने मेयर और उनके समर्थकों पर मांडा कार्यालय में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। गुंडा लोग आके कार्यालय में मारपीट किया है। वही लोग जो है सो साफ सामान फाइल छोड़ फेंका फेंकी मारा मरी हुआ यहाँ पर। अच्छा, मेयर से खुद साथ में वही आदेश दिए मारने के लिए, ललकारने के लिए। अच्छा। ललकारे अपना आदमी को, ये मारो इन लोगों। इस मामले में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का कहना है कि उनके ऊपर मांडा कर्मियों ने हमला किया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आप FIR करवाएंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। 100% इस तरीके से अगर कोई बातचीत करने जाए और कोई डंडा करे और गाली गलौज करने लगे और पत्थर चलाने लगे, मतलब ये तो कानून को हाथ में लेने की बात है। वो भी कर्मचारी। पथराव किया गया है, लोग डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, क्या आप मामला दर्ज कराएंगे थाने में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, आप पे हमला किया गया, आप पे हमला, ये प्रशासन, ये प्रशासन का मामला, प्रशासन समझे। प्रशासन तो आपसे, मेरे तरफ से कोई FIR नहीं होने जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। हमको तो जो देगा उसे लेंगे। तो दोनों पक्षों में यहाँ पे मारपीट हुई है, जो हमको शिकायत देगा उसे बाकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। मांडा कर्मियों ने इस पूरे मामले में मेयर और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की है और मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।